अभी हम देख रहे हैं बजाज फिंसर्व की चार, तो बजाज फिंसर्व में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में तो है जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ रिवर्सल जैसे कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ देखें, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, तो एक सेकंड, ठीक है, इस जो एरिया है ये क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेता था मार्केट, अच्छा खासा सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद देखिए यहाँ पे ट्राई किया गया, लेकिन फेल किया, यहाँ से रेजिस्टेंस अगेन ट्राई किया, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ से मार्केट यहाँ पे ट्राई करे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइम्स टेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये 5th बार आया है वहाँ, तो मार्केट यहाँ पे कैसे क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन जैसा दिखे तो आप लोग वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे शॉर्ट करने से आप डाउन से अच्छा खासा फॉल कैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, उसका कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं है, ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद प्राइस एक्शन क्या बोलता है उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, फिलहाल शॉर्ट के बारे में सोचिए, उसका अपॉर्चुनिटी को कैच करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा यहाँ।